हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी लहरे और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम से फ्लाइट टिकट कैसे बुक करना है इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम से फ्लाइट टिकट कैसे बुक करना है इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही हमारा पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़्लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके में ऐसा फ़्लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर जो मोर वाला जो ऑप्शन है आप वहाँ पर क्लिक कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पर मोर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, हम जैसे ही मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर फ़्लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर फ़्लाइट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, फ़्लाइट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाना है इसको चूज़ करना होता है। दोस्तों, आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे वन वे वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड है। दोस्तों, यह ऑप्शन तब टिक किया जाता है जब हम केवल जाने के लिए ही फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, और अगर हम जाने और आने दोनों के लिए फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो राउंड ट्रिप जो उसके बगल में लिखा हुआ है वन वे के, उस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग कहाँ से कहाँ जाना है इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए फ्रॉम वेयर लिखा हुआ है यहाँ पे रायपुर लिख देता हूँ। रायपुर आप यहाँ पे देख सकते हैं रायपुर में लिख चुका हूँ, और यहाँ पे नीचे में रायपुर छत्तीसगढ़ इंडिया स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे रायपुर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई BOM लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करके मुझे जहाँ जाना है उसका ऑप्शन को चूज़ करूँगा। तो चलिए मैं टू वेयर के ऑप्शन पे विशाखापट्टनम लिख के सर्च करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं विशाखापट्टनम लिखने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे विशाखापट्टनम का ऑप्शन आ गया है, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। चलिए अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, एयरपोर्ट चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पर डिपार्चर डेट चूज़ करना होता है। डिपार्चर डेट वह डेट होता है जिस दिन हम लोग हवाई यात्रा करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे डिपार्चर डेट को चूज़ करते हैं डिपार्चर डेट के ऑप्शन पे जाके। दोस्तों, जैसे ही हम डिपार्चर डेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे डेट दिखाई देने लगता है, और डेट के नीचे में उस डेट के फ़्लाइट टिकट का प्राइस भी हमें दिखाई देने लगता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं 21 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 21 मार्च का जो फ़्लाइट टिकट का प्राइस है वो 21 मार्च के नीचे में दिखाई दे रहा है, 4784 रुपये। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आप फ़्लाइट टिकट सस्ता में बुक करना चाहते हैं तो आप जिस भी दिन फ़्लाइट में ट्रेवल करना चाहते हैं उस दिन का फ़्लाइट टिकट आप 1 या 2 महीने पहले बुक कर लें। इससे आपको उस दिन का फ़्लाइट टिकट का जो प्राइस है वो आपको सस्ता में मिल जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपने पहले देखा कि आज 21 मार्च है और आज का जो फ़्लाइट टिकट का प्राइस है वो 4784 रुपये है। तो अगर मैं 30 अप्रैल का फ़्लाइट टिकट बुक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2135 रुपये पड़ता है। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, डिपार्चर डेट चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पर ट्रेवलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रेवलर्स वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे जितने भी नंबर आप पर्सन ट्रेवल करना चाहते हैं उसको हमें चूज़ करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडल्ट, चिल्ड्रंस और इन्फेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, आप जितने लोग ट्रेवल करना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज़ कर लें। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एडल्ट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर क्लास का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर अपना क्लास चुन सकते हैं, इकोनॉमी, प्रीमियम, बिजनेस। दोस्तों, ये फैसिलिटी के अनुसार क्लास का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे इकोनॉमी सबसे सस्ता होता है और यहाँ पे फैसिलिटी थोड़ा कम होता है। प्रीमियम इकोनॉमी थोड़ा मीडियम फैसिलिटी का होता है, यहाँ पर थोड़ा मीडियम फैसिलिटी उपलब्ध होता है। और बिजनेस क्लास जो होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है। तो आप अपने अनुसार इसको चूज़ कर लें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अलग अलग क्लास का अलग अलग प्राइस होता है। जितना ज़्यादा फैसिलिटी होगा उतना ज़्यादा आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इकोनॉमी क्लास को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद डन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, डन वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सो नॉन स्टॉप फ़्लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको ऐसा फ़्लाइट सर्च करके दिया जाएगा जो डायरेक्ट आप जहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के लिए ही ट्रेवल करता हो। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और अगर आप घूमते हुए जाने चाहते हैं कहीं कहीं और भी, तो आप इस वाले ऑप्शन को अनटिक कर दें। उसके बाद दोस्तों, आपको सर्च फ्लाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों हम जैसे ही सर्च फ्लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर फ्लाइट सर्च करके दिखाया जाता है और उसका प्राइस भी हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एयर इंडिया A651 का जो फ्लाइट है हमें दिखाया जा रहा है, जो कि 12:30 बजे डिपार्च होगा रायपुर के एयरपोर्ट से, और इसका प्राइस भी दिया गया है 2135 रुपये। तो चलिए दोस्तों हम इस फ्लाइट के ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों हम जैसे ही फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी एंड फेयर को चेक करके बुकिंग ऑप्शन दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री कैंसलेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिसका चार्ज है 149 रुपये पर पर्सन। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप इस वाले ऑप्शन को अनटिक कर दें, क्योंकि यहाँ पे 150 रुपये का फालतू का चार्ज लिया जाता है। दोस्तों फ्री कैंसलेशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफर्स का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों पेटीएम में अलग अलग टाइम में अलग अलग ऑफ़र चलता रहता है, जिसको आप अप्लाई करके अपने टिकट बुकिंग के समय आप कैशबैक जीत सकते हैं। दोस्तों कैशबैक का मतलब होता है आप जब टिकट बुक करेंगे तो आपको कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑफ़र दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाई इंटरनेशनल, फ्लाई बैक, इस सब का जो ऑप्शन है दिया गया है। तो मैं यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए किसी एक ऑफ़र को अप्लाई कर देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं 43 रुपये का कैशबैक मिला है, तो मुझे ये ज़्यादा का कैशबैक चाहिए, तो मैं किसी और ऑप्शन को रिप्लेस कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे फ्लाई UPI का ऑप्शन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो आप यहां पे देखेंगे मुझे 200 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। तो जैसे मैं अपना टिकट को बुक करके सकूँगा, मुझे यहाँ पर 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां नीचे में देख सकते हैं टोटल फेयर फॉर वन ट्रेवलर का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप अपने टिकट के प्राइस का जो डिटेल है उसको आप देख सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कितना टैक्स लिया गया है और कितना बेस फेयर है, ये सभी यहां पे दिया गया है और टोटल अमाउंट भी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कैंसिलेशन फ़ीस, रीशेड्यूल फ़ीस और बैगेज अलाउंस को भी आप देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे अपना पूरा नाम एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। तो हमें ऊपर वाले में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को एंटर करना है, और नीचे वाले में जो लास्ट नेम का ऑप्शन दिया गया है उसमें हमें लास्ट नेम को एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि जैसे आपके गवर्नमेंट ID प्रूफ में आपका नाम लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपको यहां पर अपना नाम एंटर करना है। उसका स्पेलिंग भी सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए, और आपको यहां पर मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID भी एंटर करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम एंटर कर देता हूं, जैसा मेरा गवर्नमेंट ID प्रूफ में लिखा हुआ है। दोस्तों इकोनॉमिक क्लास में 250 रुपये का एक्स्ट्रा फीस लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 2404 रुपये इसका प्राइस हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर हमारे टिकट बुकिंग का पूरा डिटेल दिया गया है, और हमारा जो फ्लाइट का जो नाम है उसको भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पेमेंट कर देना है, और आपको आपके ऑफ़र का जो वो कैशबैक है वो आपको पेमेंट के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं, आपको बुकिंग ID और बुकिंग कन्फर्मेशन का मैसेज आपके पेटीएम में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपके ईमेल ID में ई टिकट भी मिल जाता है PDF के फॉर्मेट में। उस ई टिकट को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ई टिकट आपको मिल जाएगा आपके ईमेल ID में। इसको प्रिंट आउट करा के आपको एयरपोर्ट में ले जाना है आपके ट्रेवल वाले डेट के दिन, और आपको बोर्डिंग पास वाला जो काउंटर होता है वहाँ पर आपको इसको दिखा देना है। इसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, जो कि ओरिजिनल टिकट बोर्डिंग पास ही होता है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही पेटीएम से फ्लाइट का टिकट बुक करना है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और टेक्निकल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।